लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। शिक्षा और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए समाज में काम कर रही अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट ने कल दौलतराम कॉलेज में जरूरतमंद बच्चों की एक साल की फीस पे करके उन्हें चेक वितरण किया। इस दौरान दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता जी ने अग्रवाल वैश्य वेलफेयर संस्था के सभी लोगों को जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। खासकर मुरथलिया जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो समय समय पर जरूरतमंद बच्चों की मदद करने यहां आते रहते हैं। मुरथलिया जी ने भी अग्रवाल वैश्य वेलफेयर संस्था के सभी सदस्यों का शुक्रिया कहा और कहा कि अगर यह लोग मदद के लिए आगे ना आए तो मैं कुछ नहीं हूँ। जिन बच्चों को यह चेक वितरण किया गया उनका नाम इस प्रकार है: सोनाली, चांदनी, वंदना, संजना, श्रेया और जानवी। इन सभी बच्चों ने प्रिंसिपल सविता मैम और अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट को मदद के लिए धन्यवाद कहा। वहां आए लोगों एवं बच्चों ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट। Sponsoring the entire fees for the students. They already had sponsored 5 fellowships and now they are again sponsoring 4 more. So I'm really thankful for to them for sponsoring students' fellowship. This is important because these girls otherwise would not be able to continue in their stream. We also had tried, but they have volunteered and I hope this will continue in future. Agarwal Vaishya Welfare, कितने दिनों से संस्था कार्य कर रही है सर, और आज जैसे 3 बच्चों को स्पॉन्सर किए हैं आप फीस, इससे पहले भी और कितने बच्चों को आप? अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट, वैसे तो हम ओम शिव निष्काम सेवा समिति के माध्यम से 28 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल पहले हमने अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। स्थापना जैसे ही हुई तो साल भर हम ऐसा ऐसा घूम घूम करके इसके मेम्बर बनाते रहे। पिछले साल जब हमने पहला प्रोग्राम किया तो पहले प्रोग्राम में ही लोगों को इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर विश्वास हुआ कि एक महीने के अंदर अंदर हमारे ट्रस्ट के 500 मेंबर बन गए। 500 मेंबर जो बने 500 फैमिली मेंबर हैं, ये नहीं भी एक फैमिली से मतलब चार चार हैं, 500 फैमिली एक उसमें एक फैमिली से एक ही मेंबर है, इस तरह से 500 फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा सबसे इस ट्रस्ट का जो ध्येय है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों को लेकर चलते हैं हम। जगह जगह पर हम स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। पीछे हम चिकनगुनिया का हुआ था, 15-20 हज़ार आदमी को हमने चिकनगुनिया के लिए दवाइयाँ दी और ठीक किया। 90% रिजल्ट हमारा ठीक था और ठीक होकर के गए हमारे यहाँ पर। घर पर सुबह लाइन लगती थी, दवाइयाँ देते थे हम, तो दर्द भी ठीक हुआ और वो भी ठीक होकर के गए हैं। जगह जगह हम इसी तरह कैंप भी लगाते हैं और इसी तरह जो बच्चे पैसे नहीं भर सकते, फीस नहीं भर सकते, उन लोगों की फ़ीस भी देते हैं। पीछे अभी एक गुडले पब्लिक स्कूल है हमारे शालीमार बाग में, एक बच्चे का नाम कट रहा था, वो हमारे पास आए, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, उनके पास फीस देने को नहीं थी, उनको भी हमने जो फीस दे करके उन बच्चों को बचाया। बार बार कई जगह पे हमने बच्चों की जो वर्दियां हैं वो भी दे रहे हैं, और पहले भी इस कॉलेज के हम 4 बच्चों को इसी तरह से फीस दे करके गए हैं। और आज भी हमने एक ही बार अपने ट्रस्ट में ये लिखा था, भाई हम ऐसे ऐसे बच्चों की फीस के लिए सहायता करना चाहते हैं, तो हमारे ट्रस्ट के बहुत से लोग तैयार हो गए। 10 आदमी तो अभी हमारे पास थे, लेकिन जो जितने जिसको ज़्यादा ज़रूरत है हम उसी को करते हैं ताकि और बच्चों को भी हम आगे दे सकें। सर, मैं जानना चाहता हूँ ये बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए सहायता करना है, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये देखिए, मैं भी अनपढ़ हूँ, मेरी मिसिज भी अनपढ़ थी, और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरा बच्चा एक डॉक्टर है, एक वकील है, जैसे भी कर करके हम कहते हैं, बगैर उसके पढ़ाई के आज मेरे बच्चे बड़े सुखी हैं। जो हम गांव से बिल्कुल गरीब घर से, हम भी कोई ज़्यादा मतलब उसमें नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाई जो है ना एक बहुत ज़रूरी है। यही मेरे मन में थी, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट का मुख्य ध्येय ये है, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर, आप वर्ल्ड फेमस जादूगर हैं, हाँ जी, जिस तरह से अग्रवाल वेलफेयर आज ये कार्य कर रही है, हाँ, क्या अगर ऐसे ही और संस्था आए तो आपको क्या लगता है शिक्षा में सुधार तो हो जाएगी? शिक्षा में बहुत सुधार होगा जी। आज मान लिया इन बच्चों को कितना बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, आज मान लिया उसके लायक है और वो फीस नहीं भर सकते और ये उसकी हेल्प करते हैं, तो सारी उम्र के लिए, मान लिया कोई IAS बनता है, IPS बनता है, तो
हर प्रकार से इनको मतलब फायदा है और आगे भी ये ऐसे कार्य करते रहें तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो राजेंद्र मुर्थलिया जी अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं जी। इस ट्रस्ट का जो इनका उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा है। मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ। मैं जब इनके साथ जुड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनका आज भी इस एज के अंदर में जब मैं इनका जोश देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस एज के अंदर ही 48 ईयर्स की एज में भी मैं सोचता हूँ जब इन जैसे यंग हैं तो हम भी अभी तो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, समाज में शिक्षा का दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो इस उद्देश्य को हम सब सार्थक करें, शिक्षा का दान करें। जो बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनकी पूरी मदद करें, उनकी हर संभव सहायता करें। यही मेरा आप सब लोगों से अपील है। धन्यवाद। मैं आज इस संस्था में अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के इन सभी साथियों को सबसे पहले नमन करता हूँ कि इन्होंने राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे ज़रूरी कदम है, आज हमारे देश के अंदर 50% परिवार ऐसे हैं जिनको 10,000 से सैलरी कम है, 75% जनता ऐसी है जिसको दो टाइम की रोटी नहीं मिलती, और राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे, आम परिवार तक। जो आज मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और ये समाज के लिए जो अनुभव हमारे साथ खड़े हैं, और मैं इन सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्र का असली निर्माण मुर्थलिया जी के नेतृत्व में ये संस्था कर रही है और इसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, दो चीज़ें हैं, गरीब को रोटी देना और गरीब को शिक्षा देना। गरीब को शिक्षा देना गरीब के पेट भरने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वजह, भूखे को रोटी दोगे आपको पुण्य लगेगा लेकिन अगले दिन फिर वो भूखा रहेगा। अगर आपने किसी बच्चे को शिक्षा दे दी वो अपना पेट भी भरेगा, अपने परिवार का पेट भरेगा और राष्ट्र के लिए धरोहर हो जाएगा। देश में कई सारे नेता और कई सारे संस्था भी शिक्षा के ऊपर बोलते बहुत है लेकिन आगे बहुत कम लोग आते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो बच्चा पढ़ सकता है उसको समाज का कोई भी आदमी सबको हेल्प करनी चाहिए। सबसे बड़ा अभिशाप इस धरती पे है तो अज्ञानता है। जो आदमी अज्ञानता में जी रहा है सबसे बड़ा अभिशाप वही है। और अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो तो अलग है लेकिन हर एक समाज के हर आदमी को, हर व्यक्ति को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। अभी हमारे ट्रस्ट का नाम अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट है लेकिन हम सिर्फ अग्रवाल समाज से नहीं जुड़े हुए हैं। अभी हमने जिन बच्चों के 95% से अबाव मार्क्स आए थे उनको भी सबको ऑनर किया था हमने। तो हमारा सिर्फ यही मतलब नहीं है कि अग्रवाल समाज के लिए हम खड़े होते हैं, हमारे लिए कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे, और हमारे से बहुत सब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, दिल खोल के करते हैं सब, और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, एक मैसेज जाता है और सब खड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, सब इस काम के लिए सब आगे हैं हमारे लोग। संजना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ अभी। आप कहाँ से हैं? मादीपुर। आज आपको इसे स्पॉन्सर किया गया है अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट से, क्या कहना चाहेंगे संस्था को? मैं मतलब बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पहले तो, क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ आज। अगर मुझे पढ़ने के लिए मुझे इतना प्रोत्साहन किया जा रहा है इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। चांदनी, आप क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सेकेंड ईयर BA प्रोग्राम NHE+ फिजिकल एजुकेशन कोर्स से पढ़ाई कर रही हूँ। आपको क्यों जरूरत पड़ा कि हमें फीस स्पॉन्सर कोई करे? क्योंकि फैमिली में बहुत प्रॉब्लम थी, कोई मतलब पापा इतना नहीं कमा पाते कि मेरे घर के अलावा और कोई खर्चा उठा सके, तो फिर इसलिए मुझे जरूरत पड़ी। क्या नाम है आपका? जानवी। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं BA प्रोग्राम Psychology+ फिजिकल एजुकेशन। जिस तरह से अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आपको आज स्पॉन्सर किया गया है फीस, आप अगर पढ़ाई करके कुछ बनते हैं, बड़े पोस्ट पे आते हैं, तो क्या इस तरह का कार्य आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे CDS करना है क्लियर, तो मैं उसके बाद ज़रूर इस ट्रस्ट को ज्वाइन करना चाहूँगी और ऐसा ही मेरे एक ट्रस्ट खुद का खोलना चाहूँगी ताकि मैं औरों की भी हेल्प कर सकूँ।
क्या कहना चाहेंगे इस ट्रस्ट को जो आपको स्पॉन्सर किया? पहले तो मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे स्पॉन्सर किया, और मैं अपना परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा करूँगी और आगे और अच्छा करके दिखाऊँगी।